हेलो एवरीवन वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इन विच विल कवर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे बोथ वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू नाउ अभी तक हमारे दो चैप्टर्स दो लेक्चर्स में हो चुके हैं वॉल्यूम वन के ही पहले दो चैप्टर Now, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे बीच में ये जो लेक्चर्स है ना ये जो लेक्चर सीरीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन हो तभी मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसे अच्छे से परसीव कर पा रहे हो समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो ठीक है वैसे तो ऑनलाइन मीडियम में ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते पर जितना भी हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं उतना लेते हैं ठीक है आई वॉन्ट दिस टू बी अ डायलॉग राधर देन बींग मोनोलॉग तो मैं पता क्या चाहता हूं जब भी आपको कभी डाउट हो ना आप मुझे प्लीज कम्युनिकेट जरूर करना YouTube कॉमेंट सेक्शन से कर सकते हो ईमेल कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीक है पर अपने डाउट जरूर कम्युनिकेट कीजिए मुझसे कम्युनिकेट कीजिए बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ आर यू रिसीविंग दीज इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर मैं चाहता हूं आपको आ, मुझे पता चले कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है राइट इसीलिए आई वुड वॉन्ट जब भी आपको डाउट हो नो मैटर हाउ सिली डाउट इज आपने पूछना जरूर है और राइट right? जरूर डाउट पूछिए मैं ईगरली वेट कर रहा हूं पिछले दो लेक्चर्स में मुझसे इतने ज्यादा डाउट पूछे नहीं है विच हैज लाइक विच अ लिटिल डिसहार्टनिंग मैं चाहता हूं कि आप अपने डाउट से मुझे बंबार कर दो पूछें जरूर राइट तो डाउट पूछना मत भूलना और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो जो भी आपकी फीलिंग्स हो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे फीलिंग्स तो राइट right वर्ड नहीं है जो भी आपको कुछ भी पूछना हो इस चीज से रिलेटेड प्लीज जरूर आई आई दिस टू बी अ डायलॉग लाइक बिफोर नॉट अ मोनोलॉग और राइट चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से एंड आज का लेक्चर वुड बी वॉल्यूम वन चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर का नाम है डज इंडिया डियान क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स द आंसर इज रिजाउंडिंग नो no. तो ये जो चैप्टर होगा ये फोकस करेगा इंडिया की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग पे और ये बात करेगा कि क्या इंडिया की जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग है वो इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है ये ये जो वाला चैप्टर है ना इसके लिए थोड़ा बहुत आपको पिछले चैप्टर का बैकग्राउंड याद करना पड़ेगा Now in one, two, that was our lecture, उसमें इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि इंडिया को फिजिकल एक्सपेंशन की तरफ फोकस करना चाहिए डेट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए अगर गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंशन करती है तो उसका फायदा क्या होता है ग्रोथ होगी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और ये जो करंट रिसेशन वाला फेज चल रहा है इससे हम बाहर जा सकते हैं तो फिजिकल एक्सपेंशन का एक एडवांटेज है कि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी अच्छे से हो सकती है पर फिजिकल एक्सपेंशन का एक डाउनसाइड था कि गवर्नमेंट का डेट अनसस्टेनेबल हो जाएगा राइट right? पर पिछला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस करा है उसमें हमने क्लियरली ये थ्योरी डिबंक की है उसमें हमने क्लियरली ये बात करी है इकोनॉमिक सर्वे ने आर्ग्यूमेंट पेश किया है कि फिजिकल एक्सपेंशन अगर ग्रोथ अचीव कर रहा है तो डेट सस्टेनेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा एज लॉन्ग एज योर इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल जो एंड सार्जेंट की स्टडी थी सॉरी ब्लाचेड की स्टडी थी कि अगर आपका ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है गवर्नमेंट के डेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट सस्टेनेबल रहेगा तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर ने ये क्लियरली बोल दिया कि आप ग्रोथ पे फोकस करो उसके लिए फिजिकल एक्सपेंशन करो डेट की टेंशन ना लो क्लियर बट फिजिकल एक्सपेंशन का सिर्फ डेट ही एक मुद्दा नहीं है डेट ही एक प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल कंजर्वेटिव्स की जो गुहार है फिजिकल कंजर्वेटिव्स का जो आर्ग्यूमेंट है कि फिजिकल एक्सपेंशन ना करो फिजिकल डेफिसिट ना बढ़ाओ डेट अनसस्टेनेबल हो जाएगा वो सिर्फ डेट की बात नहीं करते वो एक और चीज की बात करते हैं कहा यह जाता है कि अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए अगर गवर्नमेंट पे डेट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट की या कंट्री की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जितनी भी इंटरनेशनल सॉवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना जैसे मूडीज है स्टैंडर्ड एंड पुअर है एस एन पी फिच है ये तीन बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपकी क्रेडिट रेटिंग कम कर देती हैं जब आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है तो आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं इसी वजह से आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर जाती है राइट right? तो नॉट जस्ट डेट की प्रॉब्लम है क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की प्रॉब्लम है राइट right? ना मैं जानता हूं आप सारे लोग क्या सोच रहे हो गे? कि ठीक है मान लिया कि फिजिकल एक्सपेंशन से सॉवरन क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगी और उससे आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी ये हमने मान लिया पर भाई क्रेडिट रेटिंग है क्या बला वॉट इज सोवरेन क्रेडिट रेटिंग ये समझा दो तभी हम समझ पाएंगे पहले उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या है ब्रीफ में आगे भी जानेंगे इस चैप्टर जब हम कर रहे होंगे पूरा तब भी जानेंगे सॉवरन क्रेडिट रेटिंग रेट 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 होती क्या चीज है फिर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का आर्ग्यूमेंट के सॉवरन क्रेडिट रेटिंग क्या इंडिया के बारे में ठीक ठाक बयां करता है इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन या नहीं क्लियर तो पहले जानते हैं सॉवरन क्रेडिट रेटिंग क्या फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ठीक है ना सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग पहले तो क्रेडिट रेटिंग पे फोकस करते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या होता है आपको पता है जितनी भी कंपनीज है हमारे कंट्री में या वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंपनीज है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको एक क्रेडिट स्कोर एलोकेट किया जाता है सबको एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनको एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है अब क्रेडिट रेटिंग किस बेस पे दी जाती है क्रेडिट रेटिंग इस बेस पे दी जाती है कि जो कंपनी है या जो इंडिविजुअल है जो कभी लोन लेगा राइट right? क्या उसमें काबिलियत है कि वो अपना लोन टाइमली चुका सके तो ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ना ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है ये आपको रेट करता है ऑन द ऑन योर एबिलिटी टू पे बैक द लोन इन अ टाइमली मैनर क्लियर तो जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना वो आपका एक्चुअली स्कोर होता है अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है आपकी कंपनी की या आपकी खुद की आपका खुद का क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो बैंक से लोन्स लेने में आसानी होती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है ना तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने को तैयार हो जाते हैं ठीक है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है कम इंटरेस्ट रेट क्यों क्योंकि बैंक को पता है कि आप ना सिक्योर हो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है ना तो आप सिक्योर हो आपको लोन देंगे तो पैसा टाइमली वापस आ जाएगा इसीलिए आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते पर जिसका क्रेडिट स्कोर खराब है बहुत बुरा है वो इंसान रिस्की है उसको लोन देना रिस्की है इसीलिए बैंक उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं तो अगर कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है जिसका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग खराब है उसको बैंक से लोन लेने में या कहीं से भी मार्केट से लोन लेने में मुश्किल आती है और अगर मिल भी जाए तो भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है ठीक है और ये जो क्रेडिट रेटिंग दी जाती है ना ये बैंक्स की सेफ्टी के लिए दी जाती है बैंक्स जानना चाहते हैं कि जिसको ये लोन दे रहे हैं वो ठीक इंसान है सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है तो क्रेडिट रेटिंग का फाइनेंशियल मार्केट में और बैंक्स के लिए तो खासकर बहुत बड़ा रोल है क्रेडिट रेटिंग्स आर इंपॉर्टेंट क्लियर तो ये तो आपको पता चल गया क्रेडिट रेटिंग क्या होती है ना सोवरन क्रेडिट रेटिंग क्या होगा पहली बात तो अगर क्रेडिट रेटिंग के साथ वर्ड सॉवरन जुड़ गया तो सॉवरन का मतलब तो पता होना चाहिए अब सोवरन क्या होता है पोलिटिकल साइंस की भाषा में देखें तो सॉवरन का मतलब होता है सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी अब सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी आपके देश में कौन है गवर्नमेंट है राइट right? तो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग का मतलब आपकी गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग दी जाती है इंडिविजुअल्स को दी जाती है पर व्हेन वी टॉक अबाउट सॉवरन क्रेडिट रेटिंग तो उसका मतलब है आपकी गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट का क्रेडिट स्कोर अब डिफरेंट गवर्नमेंट्स को क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करने की बहुत रेनाउंड एजेंसीज हैं मूडीज एक एजेंसी अभी हम देखेंगे फिच है एस एन टी स्टैंडर्ड एंड पुअर ये तीन बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो कंट्रीज को क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग देती हैं अगर आपकी गवर्नमेंट की आपकी कंट्री की और आपकी गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग खराब है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको लोन या आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि उनका पैसा वापस नहीं आएगा पर अगर आपकी कंट्री का क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग अच्छी है आपकी कंट्री की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो उसका मतलब क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन फील सिक्योर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने से और वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा वापस आएगा तो दिस वो सिक्योर है एंड व्हेन दे आर सिक्योर देन दे आर एनकरेज टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री तो आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है इसीलिए सॉवरन क्रेडिट रेटिंग आपकी क्या है उसका बहुत महत्व है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लियर नाउ अगर आपकी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है आपकी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट पे जरूरत से ज्यादा डेट बढ़ जाएगा और जब आपकी कम, आपकी कम गवर्नमेंट पे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा डेट है है लोन ऑलरेडी तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा ही गिरेगा सिंपल सा लॉजिक लगा लो अगर आप पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोन है आप पे आप एज एन इंडिविजुअल पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है तो बैंक्स आपको लोन देने से कतराएंगे कि यार अभी तो इसने पुराने लोन चुकाने हम इसे फ्रेश लोन दे रहे हैं हमारा चुका पाएगा डर होगा बैंक को तो अगर आप पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है आपका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग गिर जाता है क्लियर क्योंकि क्रेडिट रेटिंग बस ये दिखाना चाहता है ये चेक करना चाहता है कि आप में क्षमता है अच्छे से लोन वापस करने की हां

फिर फिस्कल कंजर्वेटिव ने कहा चलो आपके कहने पर हम डेट की चिंता नहीं करते पर इसका क्या ये तो डाउनग्रेड होगा और ये डाउनग्रेड होगा तो हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर है ना नंबर थ्री, ये फिस्कल की इस आर्ग्यूमेंट को भी डिबंक करता है ये कहता है कि हमारी रिलायंस ऑन सॉन क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं है ये चैप्टर आर्ग्यू करता है कि जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसीज है ना ये इंडिया के अगेंस्ट बायस रखती हैं। जस्ट इंडिया के अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट इनका बायस है। जो हमें क्रेडिट रेटिंग देती है ना ये बहुत ज्यादा ना अनफेयर हमारी पोजिशन बेटर है पर हमारी रेटिंग खराब है तो ये चैप्टर आर्ग्यू करेगा कि क्या इंडिया की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की इकोनॉमिक पोजिशन क्या जस्टिफाइड है जो इंडिया की इकोनॉमिक जो इंडिया की इकोनॉमिक पोजिशन है उसके हिसाब से इंडिया को जो क्रेडिट रेटिंग दी हुई है तो ये चैप्टर बताएगा आपको कि नहीं हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बेटर रेटिंग डिजर्व करती है ये बायस होल्ड करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए हमें बहुत कम रेटिंग दी हुई है इन्होंने जानबूझ के तो नहीं कहना चाहिए ये चैप्टर बोलेगा कि इनकी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि हमारी इतनी अच्छी पोजीशन होने के बावजूद हमें नीचे की रेटिंग देते हैं तो इसीलिए फिजिकल एक्सपेंशन करते हुए आपको डेट की तो टेंशन लेनी ही नहीं है क्रेडिट रेटिंग की भी टेंशन नहीं लेनी है आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करो ये सॉवरन क्रेडिट रेटिंग वाले नहीं देंगे आपको अच्छी रेटिंग इनकी टेंशन मत लो क्लियर मेक सेंस तो ये 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 चैप्टर चैप्टर करेगा और इसीलिए जो है इसकी स्टार्टिंग में जो कोट है ना वो भी इसके थीम को अंडरलाइन करता है इस चैप्टर का थीम जो है कोट किसका है रविंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट क्या है द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री कहने का मतलब ये जो हमारे दिमाग पे तलवार लटक रही है ना फियर की किस चीज के फियर की? Sovereign credit rating की। इससे हमें बाहर चलना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर के वर्ड में हे hey भगवान हमें इस फियर की तलवार इस तलवार से बचाओ इस फियर की जिंदगी से बचाओ ताकि हम इसके डर के बगैर अपनी कंट्री को आगे लेके जा सके Right? Make sense? तो यही वो कोट है अगेन दीज कोट्स आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैन बी यूज इन राइटिंग हम बात करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की इसमें लिखा क्या हुआ है? ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लियरली बताएगी कि कुछ ना स्पेशल ही bias है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ठीक है ये चैप्टर कहता है कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ सॉवरन क्रेडिट रेटिंग्स हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट रेटिंग इन द वर्ल्ड हैज बीन रेटेड एज द लोएस्ट रंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये लाइन कहती है कि आज तक जो भी हिस्ट्री रही है उसमें जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना उसको कभी भी इतना निचले दर्जे की क्रेडिट रेटिंग नहीं मिली है करंटली इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड पर आपको काफी साल पहले बहुत साल पहले जितनी भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमीज रही है ना आज तक उनको इतना बुरा स्कोर कभी नहीं मिला है। हम भी फिफ्थ लार्जेस्ट हैं ठीक है और कभी किसी जमाने में चाइना भी फिफ्थ लार्जेस्ट हुआ था चाइना नीची थी इकॉनमी निचली इकॉनमी थी वो इंक्रीज करती गई बढ़ती गई और आज सेकेंड लार्जेस्ट है पर वो कभी फिफ्थ पे भी पहुंची होगी जब चाइना भी फिफ्थ पे थी ना तो भी उसको बहुत गंदा स्कोर दिया था ठीक है चाइना और इंडिया को हटा दो जितनी भी और कंट्रीज रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो फिफ्थ पे नंबर पे रही हैं उनको कभी बुरा स्कोर मिला ही नहीं ये कुछ बायस ही है इंडिया और चाइना के खिलाफ राइट right? ना आगे देखने से पहले इस लाइन को भी समझने से पहले एक बार देख लेते क्रेडिट रेटिंग रही कैसी है ठीक है जो स्कोर आता है क्रेडिट रेटिंग का आप देख सकते हो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा दो मे, तीन मेजर एजेंसीज हैं फिच है स्टैंडर्ड एंड पोअर है मूडीज हैं इनके क्या तरीके हैं जैसे ये ना रेटिंग स्कोर पता है कैसे देते हैं जैसे यूएसए को देंगे ट्रिपल ए रेटिंग फिर होता है एक डबल ए प्लस फिर डबल ए ठीक है डबल ए माइनस ऐसे करते करते ए फिर ये बी पे आ जाते हैं ट्रिपल बी प्लस फिर ट्रिपल बी फिर ट्रिपल बी माइनस ऐसे करते करते जाते रहते हैं आप नोट्स में भी देखना जो ए वाली सीरीज है ना वो है हाईएस्ट क्वालिटी अच्छा जो ट्रिपल बी प्लस वाले है ना जो ट्रिपल बी प्लस है या ट्रिपल बी प्लस से ऊपर है उन्हें इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं अगर आपकी कंट्री की रेटिंग ट्रिपल बी प्लस या उससे ऊपर है तो आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आ जाते हो उससे कम है तो ये रेटिंग एजेंसीज का कहना है कि अगर इससे कम है किसी कंट्री की रेटिंग तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने ही रिस्क पे इधर इन्वेस्ट करना चाहिए राइट नाउ नेवर इन द हिस्ट्री कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी को आपने ट्रिपल बी प्लस का दिया हुआ है ट्रिपल बी प्लस पे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनमी को आप ट्रिपल बी प्लस दे रहे हो ना ट्रिपल बी प्लस पता क्या है? जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली रेटिंग्स है ना उसमें लोएस्ट है ठीक है उससे भी बहुत सारी लो हैं ठीक है अगर आपका स्कोर ही डबल सी है ट्रिपल सी है तो मतलब आप डिफॉल्ट करोगे ही करोगे पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अगर आप हो तो उसमें लोएस्ट स्कोर ट्रिपल बी प्लस है तो नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को कभी लोएस्ट स्कोर इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड मिला ठीक है थीके? ये इंडिया के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज को ही यह बायस दिखाया गया तो ये है क्लियर तो यह लाइन है

चाइना एंड इंडिया आर दी ओनली एक्सेप्शन जब फिफ्थ था उसको भी बुरी रेटिंग जितनी भी रही है किसी को बुरी रेटिंग नहीं मिली है ठीक है इनफैक्ट इंडिया से लोअर इकॉनमीज है ना जो इंडिया से निचली इकॉनमीज है उनको भी इंडिया से बेटर रेटिंग दी हुई है क्लियर इंडिया इज क्लियर आउट ऑन सेवरल पैरामीटर जो क्रेडिट रेटिंग है ना आपकी क्रेडिट रेटिंग स्कोर है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है जैसे आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है है आप पे डेट कितना ये ये सारे बहुत सारे ये सारे बहुत फैक्टर्स फैक्टर्स हैं को अगर हम देखें तो भी इंडिया का इतना बुरा क्रेडिट रेटिंग स्कोर जस्टिफाइड नहीं है इंडिया तो बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रहा है बहुत अच्छी तो नहीं पर कंपैरेटिवली तो अच्छी दिखा रहा है बाकीियों के मुकाबले प्लस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इंडिया इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है और ऐसी क्रेडिट रेटिंग डिजर्व नहीं करता है क्लियर ये क्रेडिट रेटिंग की फोटो है ठीक है नाउ सॉवरन क्रेडिट रेटिंग ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं ये किस बेसिस पे कौन सी कौन सी चीजों को देखती है आपकी कंट्री की कौन सी कौन सी चीजों को ये देखती है जिसके बेसिस पे आपको ये रेटिंग देते हैं ठीक है थीके? तो ये लोग आपके या तो एक तो जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं इंडिया का बाकी कंट्रीज के मुकाबले ठीक है आपके कंट्री में इन्फ्लेशन देखते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन भी ठीक रहती है कई कई सालों से वैसे तो इन्फ्लेशन खराब भी हो जाती है पर कई सालों से ये जब से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आई है तब से आपकी इन्फ्लेशन टू टू सिक्स परसेंट के बीच में ही रही है विच इज ओके इतना बुरा नहीं है जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का जीडीपी दोनों गवर्नमेंट पे जो डेट है वो जीडीपी के कितना परसेंटेज है ठीक है गवर्नमेंट टू डेट गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो वो भी आपका काफी कम है ये तो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था देन प्राइमरी बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस ये जो आपका बैलेंस वगैरह है प्राइमरी डेफिसिट का जो बैलेंस है वो फिर आपका करंट अकाउंट बैलेंस आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है है आपके कंट्री में रिलेटिवली स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी होती है पर बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में जिनको बेटर स्कोर भी मिला हुआ है उसके मुकाबले ठीक है आपके कंट्री में रूल ऑफ लॉ है करप्शन खराब है पर इतनी बुरी नहीं है कि ये रेटिंग मिले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अच्छी होती जा रही है तो भी आपको पूरा रेटिंग दी हुई है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट आपका पिछले चैप्टर में हमने देखा एक्सटर्नल डेट इतना ज्यादा है नहीं है ठीक है तो वो भी ठीक है रिजर्व एडिक्वेसी रेशियो जो आपके फॉरेक्स रिजर्व है फॉरिन करेंसी रिजर्व वो भी इतने ज्यादा हैं कि अगर आपको कभी डेट पूरा भी करना पड़ जाए तो आप पे इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि आप अपना डेट पूरा कर सको तो आपके पास पैसे भी हैं डेट को चुकाने के दिख रहा है आपके रिजर्व्स में फिर भी आपको बुरी रेटिंग दी हुई है सोवरन डिफॉल्ट हिस्ट्री अगर ऐसा होता कि इंडिया ने अपने पास्ट में कभी लिया हुआ डेट बाहर के किसी भी बैंक से बड़ी एजेंसी से डेट लिया हुआ चुकाया ना होता डिफॉल्ट कर गए होते तो भी हम मान लेते कि इंडिया कोई रेटिंग नीचे होनी चाहिए पर इंडिया ने अपने इतिहास में अपनी हिस्ट्री में कभी भी लोन डिफॉल्ट नहीं करा है डेट डिफॉल्ट नहीं करा है फिर थोड़ी आपको इतनी बुरी रेटिंग मिलनी चाहिए और इंडिया को डरना चाहिए वाई इज इंडिया एन आउटलायर इंडिया आउटलायर क्यों है इसका मतलब पता क्या है कि इंडिया पे ये जो बुरी रेटिंग है ये अनजस्टिफाइड क्यों है क्यों हम अभी आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि इंडिया इतनी निचली रेटिंग डिजर्व नहीं करता क्यों एक तो इंडिया है जीरो सॉवरन डिफॉल्ट हिस्ट्री इंडिया की गवर्नमेंट ने हमेशा अपना डेट पूरा किया है दूसरा एक्सट्रीमली लो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट इंडिया पे इंडिया की गवर्नमेंट पे जितना भी डेट है ना ज्यादातर परसेंटेज इंटरनल डेट है एक्सटर्नल इंडिया के बाहर से जो डेट उठाया वो बहुत कम है तो अगर बहुत कम डेट बाहर से है तो बाहर से ही तो टेंशन होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो टेंशन है बाहर से आपने बहुत कम डेट लिया इंटरनली आपका डेट है तो कंफर्टेबल साइज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व दैट कैन पे फॉर फॉरन डेट ऑब्लीगेशन आपके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि आपका जो बाहर एक्सटर्नल डेट है उसे आप पूरा कर सकते हो तो फिर इतनी बुरी रेटिंग क्यों ठीक है द इकोनॉमिक सर्वे फाइंडिंग लार्ज अकेडमिक लिटरेचर दैट हाईलाइट एंड सब्जेक्टिविटी इन सॉन क्रेडिट रेटिंग स्पेशली अगेंस्ट कंट्रीज दैट हैव लोअर अच्छा ये पता क्या है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि देखो ये इकोनॉमिक सर्वे तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है ये तो इंडिया की साइड लेगा तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सिर्फ हम नहीं कह रही है बहुत सारी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जिन्होंने प्रूव करा है

जितना बहुत सारा एकेडमिक लिटरेचर आ चुका है बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं जिन्होंने ये प्रूव करा है तो इसीलिए हमारी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट यह एकेडमिक लिटरेचर भी कर रहा है क्लियर नाउ द बायस अगेंस्ट ईएमईज ईएमईज का मतलब इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इंडिया चाइना इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं ठीक है एक तो डेवलप्ड वर्ल्ड होता है एक डेवलपिंग वर्ल्ड होता है डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अब इमर्ज कर रही हैं उठ रही हैं उन्हें इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कहते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ देम नाउ सब्जेक्टिविटी या बायस को प्रूव करने के लिए एक और स्टेटिस्टिक सॉवरन क्रेडिट रेटिंग ऑफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन करंट यूएस डॉलर टर्म्स है पोजिशन फिफ्थ लार्जेस्ट का जो स्पॉट है फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी का स्पॉट है जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जितनी भी हुई है आज तक सबके खिलाफ इतनी बुरी रेटिंग नहीं हुई सिर्फ दो कंट्रीज के खिलाफ रेटिंग बुरी हुई है फिफ्थ लार्जेस्ट होने के बावजूद चाइना और इंडिया ठीक है ये ग्राफ में ही दिखा रहे हैं अ सिमिलर ट्रेंड इज सीन इन पीपीपी करंट इंटरनेशनल टर्म्स अच्छा आपने ये सुना होगा कि वैसे इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन नॉमिनल टर्म्स टर्म्स में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी है पर परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी टर्म्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनॉमी है अब आप में से क्वेश्चन राइटली सो ये होगा कि ये क्या है नॉमिनल टर्म्स पीपीपी टर्म ये क्या चीज है तो ध्यान से सुनना मैं ब्रीफ में बताऊंगा पर अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको यह समझने की जरूरत नहीं आपने ऑलरेडी ये करा हुआ है खैर फिर भी सुन लेना ब्रीफ में पीपीपी टर्म्स क्या होता है देखो अब आपकी आपके जो एक्सचेंज रेट है डॉलर टू रुपी एक्सचेंज रेट मान लो चल रहा है वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी रुपीज मान लो ये एक्सचेंज रेट चल रहा है ठीक है नाउ इंडिया की इकोनॉमी का साइज लेट सपोज इंडिया की इकोनॉमी का साइज uh, आप लगा लो टू एटी रुपीज है लेट सपोज ऐसा है कि इंडिया की टोटल जीडीपी दो सौ अस्सी रुपए है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं वैसे तो इंडिया की जीडीपी कई लाख करोड़ में है पर लेट सपोज इंडिया की जीडीपी टू एटी रुपीज है ठीक है अब अगर इंडिया की जीडीपी टू एटी रुपीज है तो डॉलर में अगर मैं इंडिया की इकॉनमी का साइज बताऊं ये तो रुपीज में इंडिया की इकॉनॉमी का साइज बताया ना डॉलर में अगर मैं इंडिया की इकॉनॉमी का साइज बताऊं आपको तो कितना होगा इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से फोर डॉलर इंडिया की इकॉनॉमी इंडिया की मई चार डॉलर की है राइट

कि जब आप चेक करते हो ना कि जब आप कंपेयर करते हो प्राइसेस चीजों के आ, अमेरिका में और इंडिया में तब एक्सचेंज रेट थोड़ा अलग सा आता है जैसे एक डॉलर सत्तर रुपए का है ये तो नॉमिनल टर्म्स में है ठीक है पर जनरली पाया यह जाता है कि यूएसए में जो चीज एक डॉलर की है ना इंडिया में वो चीज थर्टी फाइव रुपीज की मिल रही है बहुत बार ऐसा होता है हम कहते नहीं है यूएसए में चीज सस्ती मिल रही है यूएसए से खरीदो राइट पर इंडिया आते आते ये वाला एक्सचेंज रेट लग जाता है और महंगी मिल जाती है प्लस टैक्स वगैरह ड्यूटी वगैरह भी होती है तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि वैसे तो वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी रुपीज पर जब आप चीजों को कंपेयर कर रहे हो ना तो यूएसए में जो एक डॉलर की चीज है वो इंडिया में पैंतीस रुपए की चीज है लेट सपोज ऐसा है अब ये जो एक्सचेंज रेट है ना आपका ये तो हम कहते हैं नॉमिनल टर्म्स में है

तो रियल टर्म्स में निकलेगा ना अगर वन डॉलर इज इक्वल टू रियल टर्म्स में थर्टी फाइव रियल टर्म्स में इंडिया की जीडीपी कितनी दो सौ अस्सी को थर्टी फाइव रूपीज पर डॉलर के हिसाब से देखो तो आठ डॉलर की होगी ठीक है अब हम पता क्या कहते हैं हम कहते नॉमिनल टर्म्स में इंडिया की जीडीपी है चार डॉलर पर पीपीपी टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में इंडिया की जीडीपी है एट डॉलर तो जनरली पीपीपी टर्म्स में ना इंडिया की जीडीपी ज्यादा ही आती है अगर हम डॉलर्स में निकाले रुपी में तो टू 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 एटी है रुपीज में देखे तो टू एटी है पर जब डॉलर्स में निकालते हैं तो नॉमिनल में इतनी वैल्यू आ रही है में इतनी वैल्यू आ रही है क्लियर अब सोचो आप कि जब हम कहते हैं अब सेंस बनती है कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स बट इन पीपीपी पी टर्म्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनमी बन जाती है राइट मेक सेंस ठीक है नहीं भी अगर समझ आया तो आई होप वैसे तो काफी थोड़ा बहुत सेंस तो बना रहा होगा पर अगर कंप्लीट सेंस नहीं बता बना रहा तो पेशेंस रखो आगे हम करेंगे इसे कवर और राइट चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर पे ये कह रहा है कि नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है उसको इतना बुरा क्रेडिट स्कोर मिले मिले मिला हो ठीक है और अगर पीपीपी टर्म्स में देखे तो इंडिया की अभी करंट पोजीशन क्या चल रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया पीपीपी टर्म्स में अगर पीपीपी टर्म्स में देखें तो कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी पीपीपी टर्म्स में जितनी भी आज तक रही हैं उनको इतना बुरा क्रेडिट स्कोर मिला हो एक्सेप्ट चाइना चाइना जब पीपीपी टर्म्स में थर्ड पे पे नंबर थी ना उसको भी बुरा मिला था इंडिया को भी बुरा मिला मेक सेंस ठीक है sense? तो यही बातें हैं कि थर्ड लार्जेस्ट को कभी इतना बुरा नहीं मिला एक्सेप्शन है चाइना इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट नॉमिनल टर्म्स में किसी को इतना बुरा नहीं मिला एक्सेप्शन है इंडिया चाइना क्लियर चलो, वट आर क्रेडिट रेटिंग अच्छा sovereign credit rating है क्या चैप्टर के शुरुआत में इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको ब्रीफ में तो बता दिया था sovereign credit rating क्या होता है, पर फिर भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं जितना हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर दीज रेटिंग सीक टू क्वांटिफाई ये जो रेटिंग्स सीक टू मीट डेट ऑब्लिगेशन इशुअर मतलब जो डेट इशू कर रहा है जो डेट ले रहा है ठीक है

ट्रिपल ए ए प्लस ये सारे इतने सारे नंबर इतने सारे कॉम्बिनेशन uh, हैं ए बी सी के तो ये जितनी भी है ना इनको आपने ना कैटेगराइज uh, करा हुआ है एक होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी एक होती है स्पेक्यूलेटिव ग्रेड कैटेगरी तो एक होती है टॉप नॉच एक होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड उसके नीचे स्पेक्यूलेटिव ग्रेड होती है ठीक है स्पेक्युलेटिव ग्रेड में पता क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉरन इन्वेस्टर को कह रही है कि इन्वेस्ट कर दो बट एट योर ओन रिस्क ये कंट्री कभी डिफॉल्ट भी कर सकती है दो चांसेस कम है

इंडिया सॉवरन क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड ज्यूरिंग दिन अकाउंट ऑफ द पोस्ट पोखरान सैक्शन एट इंडिया का हिस्ट्री में जो डाउनग्रेड हुआ रेटिंग नीचे गिराई है जब भी इन रेटिंग एजेंसी ने तो इस दौरान गिराई है लेट नाइनटीन नाइनटीज में इंडिया की रेटिंग गिरी थी एक बारी और वह पता क्यों गिरी थी

इंडिया क्रेडिट रेटिंग हाफ ऑफ के बाद ठीक है आपकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है इकोनॉमिक पोजिशन अच्छी हो रही थी ना तब इन रेकग्नेशन ऑफ हायर ग्रोथ आपकी ग्रोथ ज्यादा थी प्रॉस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल आपका डेट कम था आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही थी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो रही थी तो लेट टू थाउजेंड में यानी कि टू थाउजेंड फाइव के बाद आपकी रेटिंग अपग्रेड करिए इंडिया क्रेडिट रेटिंग वॉज अपग्रेडेड टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाई मूडीज मूडीज ने इन्वेस्टमेंट ग्रेड में इंडिया को डाल दिया था दो हजार फिच ने 2006 में एस ने 2007 में ये याद रखने की जरूरत नहीं है बस इतना दो हजार पांच के, uh, के आसपास के बाद आपके अपग्रेड हुए हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बदर्मलीज दट इंडिया हाई ग्रोथ पीरियड ड्यूरिंग ग्रेड प्रॉब्लम बता क्या है?

मेथडोलॉजी में बायस है अगेंस्ट कौन सी कंट्रीज वो कंट्रीज जो अभी नीचे हैं और ऊपर उठ रही हैं क्लियर नाउ वेरियस स्टडीज हैव हाइलाइटेड प्रो साइक्लिकलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स बहुत सारे इस एकेडमिक लिटरेचर और रिसर्चर्स ने बताया है कि आपकी जो ये मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे हैं ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं ये प्रो साइक्लिकल इन नेचर है अब प्रो साइक्लिकल का मतलब क्या हुआ डेफिनेशन तो ये है प्रो साइक्लिकलिटी की कि रेटिंग अपग्रेड टेक प्लेस आफ्टर मार्केट एंड आफ्टर रैली मतलब ये जो रेटिंग आपकी आपकी अपग्रेड कब होती है जब कंट्री की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है बूम में चल चल रही है है सेंसेक्स बहुत ऊपर रहा है। जब ऐसा होगा तब आपकी रेटिंग अपग्रेड हो जाएगी जब आपकी मार्केट गिरने लग जाएगी सेंसेक्स वगैरह गिरने लग जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स गिरने लग जाएंगे तब आपकी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाएगी राइट पर यह प्रोसाइक्लिकल नेचर है पर यह अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से हम चाहते क्या है क्या फायदा क्या का क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग इंडिया की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है और तब बताएं पहले ही बता दें मार्केट जब गिरी गई तब रेटिंग आपने बता दी तो उस चीज का क्या फायदा रेटिंग का फायदा तो तब है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब मार्केट गिरने से पहले वो आपको आगाह कर दें कि मार्केट गिर सकती है मेक सेंस रेटिंग्स का तो तभी फायदा है ना रेटिंग्स का तब फायदा है कि वो मार्केट में अगर अंडरलाइंग सिचुएशन चल रही है कि यार मार्केट खराब चल रही है इनके कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब चल रही है तो आपको पहले ही बता दें बिफोर अ क्राइसिस राइट पर इन रेटिंग्स की एक नुकसान इन रेटिंग्स का एक नुकसान पता क्या रहा है ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं रही है इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड तभी करा है जब मार्केट क्रैश कर जाती है और अपग्रेड तभी करा है जब मार्केट अच्छी जा रही है तो फिर हम इन रेटिंग्स का सहारा क्यों लें डायरेक्ट मार्केट पे ही जाएं राइट right? तो ये प्रो साइक्लिकल नेचर है एक तो वैसी सारी कंट्रीज इन्हें इस चीज की वजह से क्रिटिसाइज कर रही हैं ठीक है थीके? तो इंडिया का मतलब ये रेटिंग्स प्रो साइक्लिकलिटी का मतलब क्या है कि ये रेटिंग्स रिलायबल नहीं है तो अगर आप इंडिया को जज कर रहे हो इन रेटिंग्स की वजह से जो वैसी प्रो साइक्लिकल है तो आप गलत कर रहे हो ठीक है थीके? अच्छा ये जो वर्ड है प्रो साइक्लिकल अब आपको इनका मतलब तो समझ आ गया ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं है मतलब समझ आ गया तो आंसर में अपने वर्ड्स में ही लिखोगे ये वर्ड्स आपने यूज करने हैं अपने आंसर में ये एकेडमिक कीवर्ड्स हैं ये तभी मैं नोट्स में मेंशन करता हूं जब भी आंसर लिखो तो ऐसे वर्ड्स जरूर यूज करना अपने आंसर में योर आंसर विल लुक मोर एकेडमिक एकेडमिक जार्गन यूज करना अपने आंसर में इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूज करना ठीक है ओके मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड कंट्री सॉवरन डेट ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन दैट कंट्री मे हैव टू बी डाउनग्रेडेड ड्यू टू सॉवरन सीलिंग डॉक्टर अब सॉवरन सीलिंग डॉक्टर का मतलब क्या है अगर आपके कंट्री की सॉवरन आपके गवर्नमेंट की आपके कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरी हुई है ना तो उस कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं जितने भी और इंडिविजुअल हैं या कंपनीज हैं उनकी ऑटोमेटिकली क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर जाएगी अगर गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग गिर रही है तो बाकी सबकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी तो बाकी सारे गवर्नमेंट के अलावा बाकी सारे आपकी कंट्री में जब फॉरेन डेट लेने जाएंगे तो उनकी क्रेडिट रेटिंग आपके कंट्री की गवर्नमेंट से नीचे ही होगी उसका रीजन क्या है सोवरन सीलिंग डॉक्ट्रिन आपको पता होगा अगर आपने मेरी बैंकिंग लेक्चर बैंकिंग की सीरीज के लेक्चर लगाए हैं या वैसे भी मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि आपके कंट्री में अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा रिलायबल है गवर्नमेंट को लोन देना सबसे ज्यादा रिलायबल है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदना किसी और से ज्यादा आपको गवर्नमेंट पे विश्वास होना चाहिए क्यों क्योंकि गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट गवर्नमेंट आपका पैसा पक्का पे करेगी और कोई बिजनेसमैन नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे और बहुत सारे बिजनेसमैन शायद डिफॉल्ट कर दें पर आपके गवर्नमेंट पक्का पैसा पे करेगी गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक और एबिलिटी है जो कंपनीज के पास नहीं है गवर्नमेंट कैश प्रिंट कर सकती है राइट तो अगर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजिशन भी खराब हो जाए कि वो अपना डेट नहीं पे कर सकती तो भी गवर्नमेंट विल प्रिंट मोर करेंसी एंड पे योर डेट ठीक है तो गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो इसीलिए सॉवरन जो है आपके कंट्री का आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा कभी इसी वजह से आपका जो सॉवरन है आपके गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं या आपकी जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है बाकियों के कंपैरिजन में ठीक है तो अगर इंडिया के गवर्नमेंट की ही क्रेडिट रेटिंग आपने कम कर दी तो जो बाकी हैं क्रेडिट रेटिंग लेने वाले जो बाकी प्राइवेट हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनकी तो उनकी जो पोजीशन है क्रेडिट रेटिंग वाइज वो तो गवर्नमेंट से नीचे ही होगी राइट जब हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योर एक कंट्री में गवर्नमेंट होती है तो बाकी सारे तो क्रेडिट रेटिंग वाइज गवर्नमेंट से नीचे ही होंगे राइट इसे कहते हैं सॉवरन सीलिंग डॉक्ट्रिन एक कंट्री में सबसे ज्यादा क्रेडिट स्कोर गवर्नमेंट का ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स ठीक है बाकी जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट से तो नीचे ही होगा इसे सॉवरन सॉवरन सीलिंग मतलब गवर्नमेंट एक सीलिंग पे है टॉप पे है बाकी सारे उससे नीचे हैं तो अगर आपके गवर्नमेंट की ही सीलिंग नीचे कर दी मतलब गवर्नमेंट की ही क्रेडिट रेटिंग गिरा दी तो बाकी जो और लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं कंपनीज हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट से तो नीचे होनी चाहिए

तो एक तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मिलेगा और अगर मिलेगा तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग का नुकसान नॉट जस्ट गवर्नमेंट को हो रहा है क्योंकि उन सबको बाहर से डेट महंगा मिलेगा इसीलिए क्रेडिट रेटिंग खराब होती है क्लियर ये वर्ड याद रखना है ये का क्वेश्चन बन सकता है सोवरन सीलिंग डॉक्ट्रिन है क्या दस कॉर्पोरेट इन दैट कंट्री फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंटरनेशनल एरिया से इन्वेस्टमेंट या लोन लेके आना एट लो कॉस्ट कम इंटरेस्ट रेट पे ठीक है तो कॉर्पोरेट्स को भी नुकसान होता है अगर गवर्नमेंट की ही क्रेडिट रेटिंग कम हो जाए अब मेन क्वेश्चन हमा, हमारी असली पिक्चर दिखाते हैं या ऐसा तो नहीं है कि हमारी पोजीशन तो अच्छी है रेटिंग खराब है राइट तो वो है अब ये इकोनॉमिक सर्वे ने कैसे प्रूव करा है कि हमारी जो सॉवर क्रेडिट रेटिंग है हमारी एक्चुअल पोजिशन से नीचे दी हुई है हमें यह कैसे प्रूव करा इन्होंने बड़ा सिंपल है इन्होंने ना थर्टी थ्री कंट्रीज का ना एक सैंपल ले लिया ठीक है और उन थर्टी थ्री कंट्रीज के ना डिफरेंट पैरामीटर चेक करे जैसे कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन उनके फॉरेक्स रिजर्व वगैरह वगैरह ठीक है उन थर्टी थ्री कंट्रीज के ये डिफरेंट पैरामीटर चेक करें और उसके हिसाब से उनका क्रेडिट स्कोर देखा क्लियर तो इकोनॉमिक uh, सर्वे ने पाया कि जिन कंट्रीज के ये पैरामीटर्स अच्छे हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी है फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है वगैरह 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 उनका स्कोर अच्छा है क्रेडिट रेटिंग का उनका क्रेडिट रेटिंग अच्छी है एक्सेप्ट इंडिया इंडिया की ये सारी चीजें अच्छी हैं फिर भी इंडिया का स्कोर बुरा है राइट right? तो इन्होंने अ कोहॉट मतलब अ ग्रुप ऑफ थर्टी थ्री कंट्रीज अ कोहॉट ऑफ थर्टी थ्री कंट्रीज इंडिया को इंक्लूड करके हैज बीन यूज टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑन अ कंट्रीज सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कंपेयर करा है कि जब इंडिया के भी ये पैरामीटर अच्छे होते हैं तो इंडिया को तो बुरी क्रेडिट रेटिंग मिलती है बाकियों को अच्छी मिल जाती है राइट तो ये चीज देखिए अब कौन से कौन से पैरामीटर पे जज करा इन 33 कंट्रीज को जीडीपी ग्रोथ रेट पाया ये है कि जब जीडीपी ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट अच्छी होती है तो आपका सॉवरन क्रेडिट रेटिंग रेट अच्छी होती है ठीक है पर इंडिया इसमें आउटलायर है आउटलायर मतलब इंडिया के साथ उतनी अच्छी नहीं है बाकियों के साथ है जब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा होता है तब आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेटिंग कम है है और जब आपका वो अच्छा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है तो रेटिंग अच्छी है है ठीक तो बाकी सारी कंट्रीज के लिए तो ऐसा ही है इंडिया इधर भी नेगेटिव आउटलायर है इंडिया के खिलाफ फिर बायस है सेम जनरल गवर्नमेंट डेट बाकी कंट्रीज का जब जनरल गवर्नमेंट डेट कम होता है तो उनका क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाती है इंडिया इधर भी नेगेटिव आउटलायर है ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपने जज करा है इंडिया को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करा है बाकी सारी कंट्रीज के पैरामीटर्स जब अच्छे होते हैं तब उनकी रेटिंग अच्छी होती है एक्सेप्ट इंडिया दैट इज इज रिटन मतलब आई हैव नेगेटिव आउटलायर ओवर ओवर के जो एक पैटर्न है उसके पैटर्न के बाहर लाए करता है इंडिया ये पैटर्न इंडिया पे नहीं लागू हो रहा है नेगेटिव आउटलायर है इंडिया क्लियर ये कोरिलेशन दिखाई हुई है क्लियर कोरिलेशन अब आपको पता है चलो तो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह सब पे इंडिया इज अ नेगेटिव आउटलायर क्लियर चलो अच्छा फैक्टर्स फेवरिंग अपग्रेड क्यों इंडिया की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करनी चाहिए ठीक है वैसे तो बहुत सारे फैक्टर जो तो दिखाते हैं कि बायस है अब ये देखते हैं कि इंडिया की अपग्रेड क्यों होना चाहिए इंडिया की क्रेडिट रेटिंग बेटर क्यों करनी चाहिए ये बायस क्यों दिखा रहे हैं मतलब कौन से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोलते हैं कि इंडिया की रेटिंग ऊपर करो विद इन इंडिया सॉवरन क्रेडिट रेटिंग से इंडिया ने कभी भी कोई अपना लोन लिया हुआ डिफॉल्ट नहीं करा हमेशा चुकाया है ठीक है बाकी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं चुकाया ग्रीस बीइंग वन ऑफ देम इटली के साथ एक बारी प्रॉब्लम हो गई थी ठीक है फिर भी इंडिया की रेटिंग कम है इंडिया हैज एक्सट्रीमली लो फॉर करेंसी डिनोमिनेटेड सॉवरन डेट इंडिया पे एक्सटर्नल डेट बहुत कम है तो आप क्यों डर रहे हो आपसे तो हमने वैसे ही बड़ा कम डेट लिया है तो आप क्यों डर रहे हो कि हम आपका लोन नहीं चुकाएंगे और हमें कम रेटिंग दे रहे हो देन इंडिया हैज अ कंफर्टेबल साइज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व अगर हमारा पास मान लो ऐसा होता कि हमारे पास डेट होता फॉरेन डेट पर हमारे पास उसे पे करने के लिए पैसा ना होता पर हमारे पास ठीक ठाक फॉरेक्स रिजर्व है फाइव बिलियन डॉलर के आसपास है हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम अपना सारा फॉरेन डेट चुका सके तो हमारे पास तो डेट ही नहीं है एक तरह से राइट जितना हमने डेट उठाया हुआ है हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि हम सारा चुका दे फिर क्यों हमें नीचे रेटिंग दे रहे हो ठीक है इंडिया हैज अ कंफर्टेबल साइज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व विच इज ग्रेटर देन इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेट ठीक है इन कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर किसी कंपनी की ऐसी पोजिशन होती ना तो उस कंपनी को हम कहते हैं कि इस कंपनी पे नेगेटिव डेट है मान लो किसी कंपनी पे सौ रुपए का डेट है ठीक है पर उस कंपनी के पास ना साइड में उसकी तिजोरी में डेढ़ सौ रुपए पड़े हुए हैं तो दैट मीन वो कंपनी पे नेगेटिव डेट ही हो गया ना उसके पास पड़े हुए इतना पैसे कि अपना डेट भी चुका दे और एक्स्ट्रा पैसे भी रख ले राइट तो इंडिया तो बहुत सही है अच्छा इफेक्ट ऑफ एस सी आर ऑन सिलेक्ट इंडिकेटर्स अब ये जो पोर्शन है ना चैप्टर का ये पता है क्या प्रूव करेगा कि ये जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग्स हैं इनका इतना क्रिटिसिज्म हो चुका है बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने इतना क्रिटिसिज्म कर दिया इनका कि पूरी दुनिया मानती है कि ये रिलायबल नहीं है ठीक है काफी लोग चलो पूरी दुनिया नहीं पर काफी लोग मानते हैं ये रिलायबल नहीं है स्पेशली इंडिया की जो मार्केट है ना वो तो ये दिखाती है कि सॉवरन क्रेडिट रेटिंग आर नॉट दैट रिलायबल क्यों क्योंकि इंडिया में जब सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कम भी हुई है ना रेटिंग डाउनग्रेड भी हुआ है उन दिनों में भी सेंसेक्स ने अच्छा रिटर्न दिया दिखाया है आपका एक्सचेंज रेट अच्छा रहा है रुपी टू डॉलर वाला कन्वर्जन वो भी अच्छा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड भी आपकी पॉजिटिव ही रही है मतलब ठीक रही है तो ये चैप्टर बताता है कि यार जब इंडिया के रेटिंग डाउनग्रेड भी हुआ है ना तब भी मार्केट इंडिया की मार्केट ने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर रेटिंग डाउनग्रेड जब आपकी होती है तो आपका सेंसेक्स भी गिरना चाहिए आपका रुपी भी बुरी तरह डेप्रिशिएट करना चाहिए और आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए पर ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जब इंडिया की रेटिंग डाउनग्रेड भी हुई है इन्होंने अच्छे रिजल्ट दिखाए दैट मीनस मार्केट्स डोंट इवन केयर अबाउट क्रेडिट रेटिंग्स इंडिया को भी नहीं करना चाहिए धड़ल्ले से फिजिकल एक्सपेंशन करो डोंट केयर अबाउट क्रेडिट रेटिंग्स ना परवाह करो इसकी क्योंकि मार्केट ने करी नहीं है 1998 से लेकर आज तक इंडिया के चार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब उनकी रेटिंग गिराई गई है और सेवन ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब रेटिंग अपग्रेड हुई हुई है इन सारे इंस्टेंसिस में अगर हम देखें मार्केट पर क्या इंपैक्ट हुआ है तो हमें पता चलता है मार्केट इतनी परवाह नहीं मारी है क्लियर तो इसलिए हमें भी नहीं मारनी चाहिए फिस्कल कंजर्वेटिव्स को नहीं डरना चाहिए कि बढ़ेगा तो रेटिंग गिरेगी क्योंकि हां पर जहां हमें डरना चाहिए rating, से, वो पते पे. जब हुई है इंडिया की चार ऐसे इंस्टेंसिस हुए हैं तब फॉरन इन्वेस्टमेंट जरूर कम हुई है तो आपकी कंट्री की मार्केट ने तो इतना बुरा मतलब परवाह नहीं मारी पर फॉरेन इन्वेस्टर्स मारते हैं परवाह उनको परवाह होती है आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है इसीलिए क्या करना चाहिए देखो जो क्रेडिट रेटिंग है वो तो बायस बायसडी है ठीक है ये तो इकोनॉमिक सर्वे क्या ही रहा है तो इंडिया को अपनी मार्केट से तो नहीं डरना चाहिए क्योंकि इंडिया की अपनी मार्केट परवाह नहीं करती है ठीक है बाहर के बहुत सारे लोग नहीं परवाह करते पर हां फॉरन इन्वेस्टमेंट ड्राई अप हो जाती है ये एक नुकसान है तो उसके लिए क्या करना चाहिए इंडिया शुड एक्चुअली ग्रुप अप इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ ग्रुप करके ना इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में रिफॉर्म के लिए काम करना चाहिए क्योंकि वैसे तो नुकसान नहीं है पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नुकसान है ठीक है आते हैं इस पे आगे अभी पास्ट एपिसोड्स ऑफ रेटिंग चेंजेस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब इंडिया की जब क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुई है ना तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक थी फिजिकल डेफिसिट ठीक था इन्फ्लेशन ठीक थी गवर्नमेंट डेट ठीक था करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक था तो इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग ही रहे हैं डिस्पाइट रेटिंग डाउनग्रेड इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें यह पता चलता है कि जितने भी लोग हैं उन्हें इंडिया को क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए राइट right? इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं करता है इंडिया की रेटिंग बुरी है पर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है राइट सो योर क्रेडिट योर कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग डज नॉट रिवील और रिफ्लेक्ट योर मैक्रो इकोनॉमिक पोजिशन ठीक है दिस शोज दैट क्रेडिट रेटिंग डू नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल प्लस देर इज एविडेंस फॉर सिस्टमैटिक अंडर असेसमेंट ऑफ इंडिया फंडामेंटल एज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लो रेटिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट टू डेकेट्स तो एक तो आप अंडर असेस कर रहे हो इंडिया को ठीक है कम आंक रहे हो जितनी उसकी वो डिजर्व करता है इंडिया उससे कम आंक रहे हो क्लियर चलो ये तो हमने प्रूव कर दिया ये चैप्टर ने प्रूव कर दिया कि क्रेडिट रेटिंग का इतना लोड नहीं लेना ठीक है थीके? ये वैसी है पर अब हमें करना क्या चाहिए ये तो हमें पता चल गया बायस्ड है लोड नहीं लेना अब हम करें क्या पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या वो देखते हैं इंडिया फिजिकल पॉलिसी शुड बी गाइडेड बाई कंसिडरेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रादर देन रिस्ट्रेन बाय

एक्सपेटाइटली एड्रेस्ट ठीक है इंडिया हैज अच्छा इंडिया कर क्या चुका है इंडिया हैज ऑलरेडी रेज द इशू ऑफ प्रो साइक्लिकलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स इन जी ट्वेंटी इन रिस्पॉन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इंडिया का एफ एस बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज नाउ फोकसिंग ऑन असेसिंग द प्रो साइक्लिकलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग डाउन ठीक है द सर्वे ये आपको याद रखना आंसर में भी यूज कर सकते हो दोनों पॉइंट द सर्वे रिकमेंड्स दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ देयर रेगुलेटरी पार्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जो रेगुलेटरी पावर है वो हटा देनी चाहिए एंड ये पावर्स भी ट्रांसफर टू एन इंटरनेशनल बॉडी बहुत सारी कंट्रीज के ग्रुप में इंटरनेशनल बॉडी में ये पावर दो इनको इंडिपेंडेंटली इतनी पावर ना दो ये फेट फ्यूचर डिसाइड कर लेती है कंट्रीज का फेलिंग दैट अगर ये नहीं कर सकते द रेटिंग एजेंसी शुड बी फोर्स टू सब्सटैंशली इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी कम से कम आप जो डिसीजन ले रहे हो लोगों को पता तो चले किस बेसिस पे आप किसी को डाउनग्रेड या अपग्रेड कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग में ठीक है इंक्लूडिंग पब्लिशिंग अ सेपरेट ऑफ 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 द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रेटिंग्स मिनट्स रेटिंग कमिटीज के जितनी भी कमेटी बैठती है इनकी रेटिंग एजेंसीज की जिस बेसिस पे वो कमिटीज ही डिसीजन लेती है कि अपग्रेड करना है डाउनग्रेड करना है उस कमेटी में क्या डिस्कस हो रहा है ये सारा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए तभी ट्रांसपेरेंसी होगी एंड वोटिंग रिकॉर्ड्स ऑलराइट मेक सेंस ठीक है तो ये चैप्टर यहीं तक था दैट्स ऑल दिस चैप्टर इज डन एंड आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर मोर इंपॉर्टेंटली बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन लाइक आई सेड बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी दो इनफैक्ट आई वुड वुकरेज यू टू आस्क मी डाउट्स बिकॉज दैट्स दी ओनली वे आई वुड नो हाउ आर यू परसीविंग दिस लेक्चर हाउ आर यू रिसीविंग दिस लेक्चर राइट तो आपके डाउट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट इसलिए कि आपको आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं पर इसलिए भी कि मुझे पता रहेगा कि आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा समझ भी आ रहा है या नहीं और राइट मेक सेंस तो प्लीज आस्क मी डाउट्स एंड इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर देन दैट्स गुड वेरी गुड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ आ रहा है और इन यू आर लाइकिंग इट बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे लाइक एव सेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with another chapter of Economic Survey. Thank you.